नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बालूमाथ शहर में उड़ते धूल कण से परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को रांची चतरा एनएच 22 स्थित बालूमाथ थाना चौक जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रखी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं जाम की सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर शशि रंजन, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो जाम स्थल पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की, जहां ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर शशि रंजन के उपस्थिति में सड़क निर्माण करा रहे कंपनी संतोष कंस्ट्रक्शन के साइट इंचार्ज निशु कुमार के साथ जाम कर रहे ग्रामीणों के बीच समझौता पत्र लिखा गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी के टैंकर द्वारा ब्लॉक से टमटम टोला चौक तक 3 बार पानी का नियमित छिड़काव किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने नो एंट्री की मांग की, जिस पर सर्किल इंस्पेक्टर शशि रंजन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही वरीय अधिकारियों से बात कर नो एंट्री लगाई जाएगी। वहीं ग्रामीणों द्वारा वर्तमान में ब्लॉक से टमटम टोला चौक तक पिचकालीकरण करने की मांग की गई। बता दें कि रांची चतरा एनएच 22 का निर्माण कार्य संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिससे रोड की खुदाई की गई है और बड़ी गाड़ियों के चलने के कारण धूल उड़ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर शिवकांत गुप्ता, ज्योति रंजन सिन्हा, नरेश लोहरा, देवनंदन प्रसाद, महानंद कुशवाहा, मुकेश सोनी, अमित कुमार, आशीष कुमार बम्भोला, आशीष गुप्ता, अशोक पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।